नालागढ़ के मंझोली पंचायत के गांव झिंडा में हीर गुजरों की झुंगी झोपड़ियों में अचानक आग भड़क गई। आग ने चंद मिनटों में ही दर्जनों झुंगियों को चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड में लगभग 20 झुंगी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। घटना में करीब 200 लोग प्रभावित हुए हैं। भीषण अग्निकांड पर 3 दमकल वाहनों ने काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आग की भेंट चढ़ी झोपड़ियां निजी भूमि पर बनी थी। सर, जो आगजनी की घटना, प्रशासन की तरफ से क्या इनको राहत दी जा रही है? इनको प्रशासन की तरफ से 1000 रुपया दिया जा रहा है और रहने के लिए धर्मशाला में व्यवस्था की जा रही है और अभी खाने के लिए ट्रस्ट की तरफ से अभी इनका प्रबंध किया गया है और इनके लिए तरपाली भी मंगा दी गई है। अभी प्रशासन की तरफ से अभी आ रहे हैं। लेकिन कोई आपके पास कोई जाने नुकसान की सूचना अभी तक तो? अभी कुछ पता चला है कि बकरियाँ वगैरह कुछ इसमें इंसानी कोई जान की नहीं, कोई नहीं लगी है। सर, कब पहुंचे और क्या जानकारी है? जी, जैसे ही हमें आग की सूचना मिली, हम वाटर टेंडर लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पर जब हमने मौके पर देखा कि आग बहुत ज़्यादा एरिया में फैली है, मैंने 2 वाटर टेंडर अपने फायर स्टेशन से मंगवा लिए। तीनों वाटर टेंडरों ने मिलकर काम किया और अब आग कंट्रोल में है। तो सर, लगभग कितनी झुंगियां हो सकती है? अभी इसका जायजा लिया जा रहा है, अभी फायर फाइटिंग चालू है। कुछ जानी माल का नुकसान कोई ऐसी सूचना? जी, अभी स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि कुछ हमारे शायद पशु भी जल गए हैं, जिसमें मुर्गे बकरिये, मगर अभी पूरा जायजा नहीं लिया हमने, पूरा टोटल का पता नहीं है। ये आगजनी की घटना में आपने कुछ इनका सामान, कीमती सामान बचाया है कुछ? जी जी, सेफ्टी तो की है, साथ लगती जो मकान है उनको सुरक्षित। एंस्टा न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। अभी कोई पता नहीं है आग का कारण।